अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, जहाँ रहे शादो आबाद रहे और अपने जमान में अल्लाह पाक रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ अफ़गानी पुलाव, ठीक है जी। ये मैंने उसके लिए ये प्याज लिया है, ये सब्ज़ मिर्चें ली है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये गाजर, ये चिकन लिया, ये आलू लिए, ये तमाम गर्म मसाले लिए, जिसमें से पूरे साबुत गर्म मसाला, नमक, लाल मिर्चें, सूखा धनिया, चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्चें, ये टमाटर है, ये दही है, इमली है, चीनी है और बहुत से हैं, ये मैं बाद में आपको आहिस्ता आहिस्ता बताती जाऊंगी। सबसे पहले मैं प्याज जो है उसको मैं ब्राउन करती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये मैंने ये प्याज लिए, ऑयल मैंने काफ़ी देर से पकने के लिए रख दिया था कि गर्म हो जाए अच्छी तरह। फिर देखिए ये प्याज है, प्याज जैसे ही डार्क ब्राउन होगा तो मैं उसमें ये चिकन डाल दूँगी, ठीक है। और ये आलू जो है ये बाद में उसमें साथ डालूँगी, और ये गाजर है, और ये मेवा है, ये मेवे का मैं आपको तड़का लगा के इसको गाजर और मेवे का दोनों का मैंने उसको लाल करना है और उसके बाद में इसको डालना है, ठीक है। ये मेरा ब्राउन हो गया, ये देखिए इसके अंदर मैं पानी डाल देती हूँ उसका कलर निकालने के लिए। कितनी देर में इसका कलर निकलेगा। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, मैं ये डाल दूंगी। ये पहले थोड़ा सा भुना लेती हूँ, इसकी भुनाई करती हूँ। वो गरम मसाला बन गया, ये गरम मसाला साबुत, पहले फिर मैं इसमें ये डाल दूंगी। ये देखिए ये मैंने गरम मसाला सारा डाल दिया, ये बादियान के दो फूल डाले, ये सारा गरम मसाला साबुत मैंने डाला। व्यूअर्स, ये देखिए इसमें सब्ज़ इलायची है, बादियान का फूल है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, लौंग है, और ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसमें ये टमाटर का पेस्ट डालूँगी। ये देखिए इसको थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए और टमाटर पक जाए, इनका पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए, ठीक है, ये सारा ऑयल ऊपर आ गया, टमाटर जो है वो पक गए। अब ये मैं इसमें दही डाल दूंगी। ये देखिए ये 2.5 चम्मच मैंने सर्विंग स्पून की दही डाल दी। ये देखिए, ठीक है, अब मैं इसको खुश्क होने दूंगी और साथ ही मैं इसमें नमक मिर्च डाल दूँ। ये सारी मैंने नमक मिर्च आपको बता दी है, ये वो मसाले मैंने डाल दिए। ये मैंने इसमें डाला नमक, लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, सूखा धनिया, गरम मसाला पीसा हुआ और थोड़ा सा चाट मसाला, 1/2 चम्मच के करीब इसमें चाट मसाला डाला, ठीक है। ये देखिए ये मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं इसमें चिकन डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चिकन डाल रही हूँ। ये चिकन डाल दिया मैंने इसके साथ, ये जब तक ये इसका पानी खुश्क नहीं होगा मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। फिर मैं इसके अंदर थोड़े से आलू डाल दूंगी। ये देखिए सारा तैयार हो गया, ये पानी भी चिकन ने खुश्क कर दिया। और ये देखिए मैं थोड़ी सी काली मिर्चें डालूंगी, ये देखिए
ये थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें डाली हैं, पिसी हुई डाल दी, और इसके साथ ये 2 टेबलस्पून मैं चीनी डालूंगी। ठीक है, मैं इसमें इमली डालूंगी। पहले मैं चीनी को थोड़ा सा पका लूं। ठीक है, चलो ये आलू डाल रही हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है, आप डाल सकते हैं। ये देखिए, ये सब कुछ पक गया। ये देखिए आलू भी तकरीबन बन गए। अब मैं इसमें इमली डालूंगी। ये देखिए इमली का पल्प है, ये मैं डाल दूँगी। इमली सारी पल्प में डाल, ठीक है जी। ये मैं पानी डालने लगी हूँ। अपने आपने जितने राइस रखे उसके मुताबिक आपने पानी डालना है। गल गया और ये पानी का जो है वो उबाल हो गया, उबाला भी आ गया, पानी बॉयल हो गया। ये मैं चावल इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये मैंने राइस डाल दिए इसमें। जैसे ये बॉयल हुआ है मैंने इसके अंदर राइस डाल दिए। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी। बीच इसका दम हो जाएगा फिर साथ ही। ये ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर ये मैंने गाजरें जो मैंने बारीक बारीक कटी हुई हैं ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसको मैं थोड़ा सा लाल करूँगी ताकि ये नरम हो जाए। व्यूअर, ये मैंने बीच में मेवा डाल दिया, ये मैंने धो लिया था, इसको अब मैं इसमें डाल दिया। इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी मेवे को। देखिए कितना खूबसूरत हो गया। ये व्यूअर्स, ये देखिए मैं दम देने लगी हूँ, तो ये मिर्चें थोड़ी सी मैं इसमें गार्निश के लिए डाल दूंगी। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ठीक है जी, ये मैंने बना लिए। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाह, व्यूअर्स ये जो मैंने बनाए थे गाजर और ये मेवा, ये व्यूअर्स ये था हमारा आज का व्लॉग। आज हमने बनाया अफगानी पुलाव, चिकन अफगानी पुलाव बनाया। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइए, मुझे इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी चिकन अफगानी पुलाव। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा प्यार के साथ, अल्लाह ने के बाद।